बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने ये 2 किलो चिकन ले लिया है। इसको मैंने धो के अच्छा सा, और इसको थोड़ा ड्राई कर लिया है कि इसमें पानी ना रहे। और इसमें क्या क्या जाएगा, ये गार्लिक है तकरीबन 3 बड़े चम्मच, और ये जिंजर है ये भी 3 बड़े चम्मच हैं, ये सूखी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये रेड चिली पाउडर है ये 2 टेबल स्पून है, और ये सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ये काली मिर्च 1 टेबल स्पून, ये हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये नमक हसबे जायका। और इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा जाएंगे, तकरीबन ये 7 बड़े टमाटर थे जिसको मैंने धो के काट के रख लिया है, और ये प्याज का 3 4 प्याज थे जिसको मैंने बारीक बारीक काट के इसकी मैंने प्यूरी बना ली है। थोड़ा सा तेल डाल के इसके अंदर इसको मैंने प्यूरी बना ली है, और इसमें ये 1 प्याली योगर्ट जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इस चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें जो है ना रेडी करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये जो प्याज मैंने करके रखा था ये जाएगा, और ये गार्लिक है ये इसके अंदर जाएगा, ये गार्लिक चला गया। अब इसमें मैं जिंजर ऐड करूंगी, ये जिंजर, और ये हल्दी पाउडर है ये चला गया, ये काली मिर्च ये चली गई, ये गरम मसाला ये चला गया, धनिया पाउडर ये चला गया, रेड चिली पाउडर ये चली गई, नमक हसबे जायका, और ये कुटी हुई लाल लाल मिर्च ये चलेगी। अब इसके अंदर मैं योगर्ट ऐड करूँगी, और इसको हाथ की मदद से अच्छा सा मैरिनेट करके तकरीबन इसको आधा घंटा मैं रेस्ट दूंगी, और उसके बाद फिर मैं कुकिंग करूँगी। और देखें, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख लिया, अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें जो है ना बनाती हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये एक चिली इसको मैं साइड पे करती हूँ, ये लास्ट में गार्निश के लिए काम आएगी। अब ये टमाटर और लाल मिर्च, सॉरी हरी मिर्च, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है, अब इसमें मैं ये कढ़ाई में ऑयल डाल के ये जो टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई है मैं वो ऐड करूँगी। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा सा गर्म करके इसमें ये मैं टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूँगी। टमाटर को मैं थोड़ा सा इसकी भुनाई करूंगी, जब इसका ये कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूंगी, और साथ इसके मैं चावल बनाऊंगी, वाइट चावल। ये मैंने पानी रख दिया, इतने में ये हमारी हंडी रेडी होती है, उतने में वो चावल भी रेडी हो जाएंगे, तो एक टाइम में 2 काम हो जाएंगे। और इधर देखिए, ये टमाटर जो है ना, इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, जब इनमें से थोड़ा सा तेल सेपरेट हो जाएगा तब मैं इसके अंदर फिर चिकन ऐड करूँगी। और देखिए, टमाटर को मैंने तकरीबन तेज़ आंच पे 5 मिनट इसकी भुनाई की है। अब देखिए, तेल थोड़ा सा सेपरेट हो गया है, अब इसके अंदर ये चिकन जाएगा, मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। बिस्मिल्लाह। और देखें, चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, अब चिकन भी ज़ारी बात है अपना पानी छोड़ेगा, जब वो पानी छोड़ देगा फिर इन सबको मैं अच्छे से भून के तो फिर ये कढ़ाई रेडी हो जाएगी। और देखें, चिकन ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है, अब इसका मैं पानी ड्राई करूँगी तेज़ आंच पे, तो तकरीबन मुझे 10 मिनट लग जाएंगे ये पानी ड्राई करने में इंशाल्लाह। देखें जी, हमारा चिकन कढ़ाई बन के कितना अच्छे से रेडी हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है, और मैंने टेस्ट करके भी देखा है, टेस्ट भी बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है। तो लास्ट में क्या होगा, इसमें मैं अब ये थोड़ी सी हरी मिर्च ये ऊपर डालूंगी, और थोड़ा सा धनिया, और थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर मैं गार्निश करूंगी। ये चला गया, अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। और देखें जी, चावल भी रेडी हो गए हैं, और चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई है, बहुत मज़े की बनी है। प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना जैसे मैंने बनाई है,
और टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छी बनती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगली नई